हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो लोकल ट्रेन की टिकट होती है, जो पैसेंजर ट्रेन की टिकट होती है, उसको आप ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं और कैसे बुक कर सकते हैं। अब ये जो फैसिलिटी है लोकल ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए, वो IRCTC ने अब प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको काउंटर पर लंबे लाइन में लग के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टिकट ले सकते हैं और आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है UTS। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप UTS देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे है, और इसको हम ओपन करते हैं। और सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और आपको अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप इस पर साइन अप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसके बाद हम लॉगिन करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने ऊपर से बहुत सारे ऑप्शन हैं, बुक टिकट, कैंसिल टिकट, बुकिंग हिस्ट्री, आर वॉलेट, प्रोफाइल, सो बुक टिकट, हेल्प एंड लॉग आउट, ठीक है। तो हमारे सामने ऊपर सबसे ऊपर क्लिक करेंगे बुक टिकट पे, हमें अगर कोई बुक करना है तो। अगर आपने कोई टिकट बुक कर लिया और आपको ट्रैवल नहीं करना तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम अभी बुक टिकट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट और सीज़न टिकट और QR बुकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल बुकिंग या आप क्विक बुकिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्लेटफॉर्म की टिकट चाहिए तो उसके लिए आप थर्ड ऑप्शन प्लेटफॉर्म टिकट पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम नॉर्मल बुकिंग पे जाते हैं, नॉर्मल बुकिंग पे क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस और दूसरा ऑप्शन है बुक एंड प्रिंट पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो पहला ऑप्शन है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, इसके लिए आपको लगभग स्टेशन के पास ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका GPS जो है इस्तेमाल करेगा, ये जो ऐप है वो आपका GPS इस्तेमाल करेगा। अगर आप स्टेशन के 100 मीटर के अंदर हैं या 100 मीटर के आसपास हैं, स्टेशन से बाहर ही होने चाहिए आप, आपका मोबाइल फ़ोन जो है आप जो है स्टेशन के बाहर से ही बुक कर सकते हैं, वो भी 100 मीटर के अंदर। जब आप 100 मीटर के अंदर होंगे तो GPS एक्यूरेसी सही बताएगा और जिसके कारण आपको टिकट बुक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। वरना अगर आप 100 मीटर से दूर हैं, 1 किलोमीटर दूर हैं या 2 किलोमीटर दूर हैं, तो आपको बहुत सारी परेशानी आएगी बुक करने में, बुक हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये GPS एक्यूरेट नहीं दिखा पाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जैसे स्टेशन परिसर जो होता है, जो कंपाउंड होता है स्टेशन का, उससे आप बाहर खड़े होकर आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं पहला ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं स्टेशन के पास नहीं हूँ, स्टेशन से थोड़ा सा दूर हूँ। दूसरा ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ बुक एंड प्रिंट पेपर, ठीक है। तो मैं दूसरा ऑप्शन यूज़ करता हूँ बुक एंड प्रिंट पेपर। इसमें क्या होता है कि अगर आप स्टेशन से कुछ दूर भी हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी दूर हैं, तो भी आप बुक कर सकते हैं। लेकिन ये जो फैसिलिटी है वो सभी स्टेशनों पे नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जो दूसरा ऑप्शन है ये सभी स्टेशनों पे अवेलेबल नहीं है, और जो पहला ऑप्शन है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, ये लगभग हर स्टेशन पर उपलब्ध है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो हर स्टेशन पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं दूसरे पर क्लिक किया, अब उस सारे स्टेशन के नाम आ जाएंगे जो कि अवेलेबल हैं। तो मैं इस पे डाल देता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए पनवेल, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है प्रिंट आउट रिक्वायर्ड एज़ यू हैव सेलेक्टेड टू बुक पेपर टिकट, इट इज़ मैंडेटरी टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द टिकट फ्रॉम AVTM को TVM कियोस्क और जनरल बुकिंग काउंटर एट पनवेल। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप AVTM मशीन पे जा सकते हैं, कियोस्क पे जा सकते हैं, या आप जनरल बुकिंग काउंटर पे अपना बुकिंग जो ID है फ़ोन पे दिखा करके आप उनसे टिकट ले सकते हैं। लेकिन आपको प्रिंट आउट लेकर ही ट्रेन में चढ़ना है, ये दोस्तों आप ध्यान में रखिए, ठीक है। आपको प्रिंट आउट लेकर ही चढ़ना है। अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको प्रिंट आउट लेकर ही चढ़ना है, लेकिन अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, तो उसमें आपको अपना मोबाइल फ़ोन में टिकट रखना होगा और मोबाइल फ़ोन से ही दिखाना होगा, लेकिन दूसरे ऑप्शन में आपको प्रिंट आउट चाहिए। तो मैं आपको अभी दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम डेस्टिनेशन में डाल देंगे मुंबई सेंट्रल, डन कर देंगे। तो यहाँ हमारे सामने आप देख सकते हैं नॉर्मल बुकिंग, सबसे पहले आपको शो हो रहा है एडल्ट 1, यहाँ से आप अपने पैसेंजर नंबर को बढ़ा सकते हैं 2, 3, 4, ठीक है। चाइल्ड के लिए भी लिख सकते हैं, जर्नी टाइप लिख सकते हैं, ट्रेन टाइप लिख सकते हैं, यहाँ 2 ट्रेन टाइप होगी ऑर्डिनरी एंड AC EMU, ठीक है। क्लास में आप सेलेक्ट करेंगे सेकंड और फर्स्ट, ठीक है।
और पेमेंट में आप सेलेक्ट करेंगे आर वॉलेट। आर वॉलेट का मतलब है IRCTC का वॉलेट। और दूसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। आप पेटीएम, मोबीक्विक और फ्रीचार्ज से भी पे कर सकते हैं, जितने भी वॉलेट कंपनीज हैं उनसे भी पे कर सकते हैं। मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास समरी आ गई, और सबसे पहले आप दिखा रहा है सोर्स स्टेशन पनवेल, डेस्टिनेशन स्टेशन मुंबई सेंट्रल, वाया CLDR, ये कोई स्टेशन का कोड होगा, एडल्ट 1 चाइल्ड 0, और क्लास टाइप, ट्रेन टाइप, टिकट टाइप, और टोटल फेयर आप देख सकते हैं, टोटल फेयर है 20 रुपीज़। और यहाँ पर बुक टिकट है, बुक टिकट पर हम क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन की टिकट है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम UTS का मतलब है। और यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट ऑप्शन आ गया, आप यहाँ पे पेटीएम, मोबीक्विक या फ्रीचार्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई यूज़ नहीं कर सकते तो आप कोई भी सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पेमेंट मोड पे आप चेंज कर सकते हैं, इसको नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आ गया अदर पेमेंट मोड में भीम, UPI, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, और यहाँ पे आपका आ गया पेटीएम, वॉलेट से भी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट प्रोसेस जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, और उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगली बार मैं आपको पहला जो ऑप्शन है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वाला जो ऑप्शन है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, इसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ख़ास तौर पे इसके लिए स्टेशन पे जाना पड़ता है, फ़िलहाल मैं नहीं हूँ, इसलिए आपको सेकंड ऑप्शन समझाया। पहले ऑप्शन के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं अगले दिन ही आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको कुछ समझना हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।